आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संभी चंद्रिका राय ने जेडीयू ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद उनकी बेटी और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जेडीयू की ओर से वे अपने पति तेज प्रताप यादव या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि चंद्रिका राय ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है, लेकिन लालू और चंद्रिका राय के परिवारों में खटास को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में दोनों में आमने सामने की स्थिति रहेगी। जिससे नाराज तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा सुनिए। कौन चंद्रिका राय कौन चंद्रिका राय, उससे हमको क्या मतलब है? उनका कोई हैसियत औकात है क्या हमारे सामने खड़ा होने का? उनको औकात है तो आइए हमारे गेट पे फरिया लेते हैं। औकात है उनका, औकात है चंद्रिका राय को, औकात है तो फरियाए आगे। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय भी चुनाव लड़ सकती है। अरे जिसको लड़ना है लड़े, उन लोग से हमको क्या लेना देना है? हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, उसी समय हमारा संबंध खत्म हो गया था। लेकिन चुनाव में हर एक तरीके से कमजोर है, सारे सबूत हमारे पास है। वो तो नारी है तो नारी का हमने सम्मान करने का काम किया, मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं दिखाने के लिए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी, लेकिन शादी के 6 महीने के भीतर ही तेज प्रताप यादव ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद लंबे समय तक ऐश्वर्या ससुराल में ही रहीं। बाद में उन्हें ससुराल से बाहर कर दिया गया। फिलहाल वे अपने माता पिता के साथ रहती हैं। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच तल्खी लगातार बढ़ती गई है, जिसके बाद चंद्रिका राय ने जेडीयू ज्वाइन कर ली। न्यूज़ डेस्क।